दोस्तों, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि कोई भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, चार्ज करने के क्या-क्या तरीके हैं। इस पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था। और आज की लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी चार्ज को डिटेक्ट करने का और उसको मेजर करने का क्या-क्या प्रोसीजर है और उसके लिए हम लोग कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग शुरू करते हैं अपना थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर का टॉपिक क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ चार्जेस। मतलब कहीं भी अगर हमको चार्ज मिलेगा या कहीं चार्ज है तो हम उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि इस जगह में चार्ज है। हालांकि इस टॉपिक का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब कि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछी नहीं जाएगी, लेकिन ज्ञान के दृष्टिकोण से, नॉलेज के पर्पज़ से ये टॉपिक आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाओ और किसी प्रकार के इंटरव्यू में जाओ तो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर हमको चार्ज को डिटेक्ट करना है या मेज़र करना है तो उसके लिए हम कुछ यंत्रों का, कुछ इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेते हैं। दैट इज, चार्ज कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर विथ द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। उसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रोमीटर। एंड थर्ड क्या है? वोल्ट मीटर। और फोर्थ हमारा क्या है? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। इनमें से जो नंबर 3 है और नंबर 4 है, ये दोनों को हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों डिस्कस नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी 12th की सिलेबस में एक स्पेशल चैप्टर दी गई है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसी में हम लोग ये वोल्ट मीटर और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस फिलहाल जो करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप का और इलेक्ट्रोमीटर का। तो देखते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रोस्कोप है क्या। एक्चुअली अर्ली जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स था वो सारा चीज़ बेसिकली यूज किया गया था इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं। दैट इज एन अर्ली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। ये बहुत तरीके होते थे, है ना। इसमें बहुत प्रकार के इलेक्ट्रोस्कोप होते थे, उसमें से कुछ बेसिक थे, है ना। बेसिक जो इलेक्ट्रोस्कोप होता था उसमें क्या होता था, उसमें हम लोग बेसिकली देखते थे कि उसमें जो चार्ज के कारण जो वोल्टेज डेवलप होता था वो हम लोग देखते थे, है ना। उसमें एक्चुअली होता क्या है, हमको ये बेसिक जानकारी है कि जितनी ज़्यादा चार्ज इंक्रीज होगी, है चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वोल्टेज भी उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। इसी मेथड को, बेसिकली इसी नियम को हम लोग यूज़ करके चार्ज को हम लोग डिटेक्ट करते थे। लेकिन जो अर्ली प्रोसेसेस था या जो टेक्निक्स था या जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए थे, वो सारे इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली क्या करता था ना, रफ रिजल्ट देता था, बहुत एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता था। यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप्स रिक्वायर 100 और 1000 ऑफ वोल्ट। एक्चुअली इसको देखने के लिए, चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि अगर बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज जनरेट होगा तो उससे हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे कि वहाँ पर चार्ज है कि नहीं, ठीक है। और इसीलिए ये हाई वोल्टेज सोर्सेस या हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मशीन वगैरह में यूज होता था, ठीक है। इसमें और एक चीज़ है कि इसकी जो रिजल्ट होती थी, मैंने इसको पहले भी बोला कि ये रफ इंडिकेशन देता था कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, एग्जैक्ट जो वैल्यू कितना होता था इसे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए बाद में क्या किया गया, एक ब्रिटिश फिजिशियन थे, कौन, ब्रिटिश फिजिशियन थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट, और इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 600 AD के आसपास इन्होंने इसका डिस्कवरी किया था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बेसिकली करंट मेजर करने का एक तरह का डिवाइस था, ठीक है। तो फर्स्ट जो सबसे इनिशियल पीरियड में जो इलेक्ट्रोस्कोप बनाया गया था वो किस तरीके का था, वो बेसिकली वाइब्रेटेड निडल था। मतलब इसको वर्जोनियम भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वर्जोनियम क्या है, या वर्जोनियम क्या है, देखिए वर्जोनियम में एक्चुअली क्या होता है, जिस तरीके से कॉम्पस होता है ना,
कंपस नडिल जैसे होता है हमारे पास, सेम इसी तरीके का ये एक नडिल जैसा होता है, ठीक है। इस नडिल में हम क्या करते थे, ये एक बैस होता था और इसमें ये नडिल लगा होता था, ठीक है। इस नडिल के आसपास जब कोई चार्ज बॉडी को हम लोग लाते थे, ठीक है, इस यहाँ कोई अगर चार्ज बॉडी लाएंगे तो हमको पता है कि चार्ज बॉडी के कारण इसमें भी क्या होगा, हमारा चार्ज इंड्यूस होगा। और जैसे ही चार्ज इंड्यूस होगा इसमें, इस चार्ज बॉडी के कारण, अगर ये बॉडी चार्ज होगा तो इसमें भी चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। और चार्ज इंड्यूस होने के कारण ये क्या करता, मूव करने लगता है। ये चार्ज क्यों इंड्यूस होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करके रखा है कि अगर कोई चार्ज बॉडी है उसके सामने अगर कोई हमारा कंडक्टिंग बॉडी है तो क्या करता है, इस चार्ज बॉडी के कारण दूसरे अनचार्ज बॉडी में भी चार्ज क्या होता है, डेवलप होता है। और क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है। मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं, तो यहाँ पर कोई चार्ज डेवलप होगा कि नहीं, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और इसके कारण ये जो निडिल का टिप पॉइंट, ठीक है, ये मूव करने लगता है। उससे हमको पता लग जाता है कि ये हमारा चार्ज बॉडी, ये एक बेसिक प्रोसेस था, ठीक है। उसके बाद इसमें, इस प्रोसेस में बेसिकली दो क्लासिकल टाइप्स के हमारे इलेक्ट्रोस्कोप थे। वो क्लासिकल इलेक्ट्रोस्कोप क्या क्या थे वो आप देख लीजिए। उसमें से पहले को हम लोगों ने नाम दिया था पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, क्या, पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, दैट इज नंबर 1, है ना। और सेकंड क्या था हमारा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड मतलब सोना, है ना, सोने का दो पत्ता होता था, पतला पतला, ठीक है, एकदम छल्ला। हम उसको देखते हैं, उसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड में आपके स्क्रीन के ये हो गया हमारा पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। इसमें क्या होता था, इस तरीके का एक बेस होता था और उसमें एक बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक जिस तरीके से हम लोग पेंडुलम में एक बॉब लेते हैं ना, उसी तरीके का एक बॉब एक स्ट्रिंग में झुलाया जाता था, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जो हमारे पास वर्जोनियम निडिल था ना, वर्जोनियम जो हमारे पास निडिल था, इसका जो सबसे इम्प्रूव है ना फॉर्म आया था, क्या धीरे धीरे बाद में तकरीबन 100 साल बाद, है ना, 1731 में स्टीफन ग्रे, है ना, एक सिस्टम डेवलप किया जो मैंने यहाँ पर दिखाया है ना, पिथ बॉल, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक बेसिकली जो हैंगिंग सिस्टम बनाया था, क्या किया था, हैंगिंग सिस्टम बनाया था। उसमें क्या किया था उन्होंने, एक थ्रेड में उन्होंने क्या किया था, ऐसा कोई थ्रेड में, इस थ्रेड में क्या किया था उन्होंने, एक बॉल को क्या कर दिया था, अटैच कर दिया था, है ना। और इसी इसी को बेसिकली, इसको नाम था पिथ बॉल, है ना, इसको हैंगिंग पिथ बॉल ने टच कर दिया। तो और पिथ बॉल का जो बेसिक कंसेप्ट बेसिकली जिसने दिया था उनका नाम था जॉन, है ना, और ये 1754 में इन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। आपको केवल इंफॉर्मेशन टाइप की चीज़ें इसमें मैंने पढ़ना है, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट अभी यूज़ नहीं कराए जाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट आज क्लास में पढ़ाए जाते हैं या यूज किया जाता है, आज भी बेसिकली लेबोरेटरी पर्पस में जो यूज होता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये मैं केवल आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं, ये जो पिथ बॉल क्या होता है, ये कंसिस्ट करता है, इसमें पहला जो सिस्टम था इसमें एक बॉल भी रख सकते थे और हम लोग दो बॉल भी रख सकते थे, है ना। आइदर आप एक बॉल रख लीजिए, आइदर आप दो बॉल्स का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और ये दोनों क्या था, बहुत ही हल्का नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस का हम लोग रखते थे। ओरिजिनली स्पॉनी प्लांट का आता है मटेरियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए उसका नाम पड़ा पिथ बॉल। और इसको हम लोग सस्पेंड करते थे, ये सस्पेंडेड मैंने बोला जिस थ्रेड से सस्पेंडिंग करते थे, वो क्या होता था, सिल्क का होता था। कोई भी एक हुक लगा देंगे हम लोग, ऐसा कहीं हुक लगा दिए और उस हुक से, ऐसा हमने कहीं हुक रखा और इस हुक से हमने क्या किया, एक थ्रेड झुला दिया, ये सील कर लेके, और यहाँ पर हमने एक पिथ बॉल झुला, ठीक है। ये प्रोसीजर सेम होता है, ये काम किस टेक्निक पे करता है, देखिए यहाँ पर ये हमारा पिथ बॉल है, और अगर इसके बगल में हम कोई कंडक्टिंग मटेरियल, मान लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो सिमिलरली क्या होगा, इस सिस्टम में ये जो स्फीयर होगा, माने ये जो कंडक्टिंग, ये जो हमारा बॉल होगा ना, जो पिथ बॉल होगा, पिथ बॉल के ऊपर में क्या चार्जराइज होगा, नेगेटिव चार्जराइज होगा। जब इसमें नेगेटिव चार्ज अराइज होगा, हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर इधर है और इधर अगर नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेगा, आपका
अट्रैक्ट करेगा, है ना, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये पिथ बॉल इधर मूव करेगा। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो बी बॉडी है वो क्या हमारा चार्ज है। बस समझ में आ गई। उसके बाद मॉडर्न टेलीस्कोप, टेलीस्कोप ने सॉरी इलेक्ट्रोस्कोप जो यूज हुआ बाद में, है ना, उसके विषय में भी हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो मॉडर्न टेलीस्कोप जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसमें हम लोग बेसिकली प्लास्टिक यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? प्लास्टिक यूज़ करते हैं। अभी जो मॉडर्न जितने भी इलेक्ट्रोस्कोप हैं ना, जिसमें बॉल हम लोग लगाते हैं, बॉल किसका होता है? प्लास्टिक का होता है, ठीक है। और ये सेम प्रोसीजर में काम करता है, इसमें कोई प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है ना, मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसको थोड़ा सा डेवलप कर दिया गया है, ठीक है। अब सेकंड आते हैं कि गोल्ड लोफ, जो हमारा गोल्ड लीफ होता है ना, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है क्या, ये हम लोग देख लेते हैं। गोल्ड का मतलब होता है सोना, और इलेक्ट्रोस्कोप इसमें बेसिकली करते कुछ नहीं है हम, हमको पता है कि गोल्ड जो होता है बहुत ही कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है ना, और बहुत सेंसिटिव होता है, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, एक इस तरीके का वैक्यूम ग्लास ले लेते हैं ना, बेसिकली ये किसी भी तरीके का शेप का आप ले लो, जनरली इस तरीके का शेप लिया जाता है, ग्लास का बना होता है ये, ठीक है। और इसके इसके अंदर से कंडक्टिंग ट्यूब बना के, ठीक है, और यहाँ पर दो लीफ गोल्ड का पतला एकदम, ठीक है, और यहाँ पर ये कंडक्टिंग मटेरियल से बॉल लगा के रखते हैं, ठीक है। जब इसके सामने कोई हम चार्ज बॉडी लाते हैं, जैसे हम इस चार्ज बॉडी को यहाँ लगाएंगे, इस कंडक्टिंग सिस्टम में, यहाँ पर इस जगह में, इस जगह में क्या नेगेटिव चार्ज अराइज होगा, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण दूसरे छोर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये मैंने बताया था कि इंडक्शन मेथड कैसे होता है, अगर कोई चार्ज बॉडी पॉजिटिव है और उसके बगल में दूसरा कोई कंडक्टिंग बॉडी होगा, तो सामने क्या अराइज होगा, नेगेटिव चार्ज अराइज होगा, और जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज अराइज होगा सेम उसका अपोजिट साइड में उतना ही पॉजिटिव चार्ज अराइज होगा। सेम फेनोमेना यहाँ पर होता है, और हमको पता है अगर सेम चार्ज रहेगा तो जो गोल्ड लीफ हमने ये लिया था ना, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण क्या होगा, ये जो गोल्ड लीफ ऐसे था ये रिपल करेगा एक दूसरे को, रिपल करेगा, और ये गोल्ड लीफ किस तरीके हो जाएगा, स्ट्रेट होने लगेगा इस तरीके से। यही बेसिकली प्रोसेस है। इसका कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया वो पॉइंट टू पॉइंट मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया है, उसमें आप देखिए पहला क्या है इसका कंस्ट्रक्शन में, इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल मेटल रॉड, है ना, यूजुअली ब्रास का हम लोग यूज़ करते हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ विच हैंग टू पैरेलल स्ट्रिप, टू पैरेलल स्ट्रिप ऑफ थिन फ्लेक्सिबल गोल्ड लीफ, एकदम पतली पतली जो गोल्ड के हम लोग स्लाइड ले लेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने दिखाया आपको, ये दो दिखाया मैंने, ये जो आपको दिखाया था, ठीक है, ये लिया जाता है, और उसके ऊपर हम फिर क्या करते हैं, के बाद हम एक डिस्क और बॉल ले लेते हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग देख रहे थे कि जो हम लोग बनाते हैं बेसिकली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उसमें हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, गोल्ड लीफ यूज़ किया था, और बेसिकली बात है कि जो गोल्ड लीफ होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एनक्लोज बॉक्स बनाते हैं ना, बेसिकली ग्लास का बनाते हैं इसको, हम लोग एक ग्लास बॉटल से हम उसको कवर कर देते हैं, ठीक है, और यूजुअली ओपन एट द बॉटम, नीचे के साइड हम उसको खुला रख देते हैं ना, एंड माउंटेड ओवर ए कंडक्टिंग बेस। अब ये सवाल है कि भाई ये जो ग्लास है ना, इसको हम एक जो मेटल के ऊपर में हम इसको क्यों माउंट करते हैं ना, ऐसा कोई मेटल प्लेट होगा नीचे, उसके ऊपर हम इसको रख देते हैं। इसका कारण क्या है कि अगर एक्स्ट्रा चार्ज भी यहाँ से आया तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली सेफ्टी पर्पज़ के लिए किया गया था, ठीक है। इसको मैंने डिफाइन, ऑफन देयर आर ग्राउंडेड मेटल प्लेट्स और फॉयल स्ट्रिप ऑन द बॉटल, है ना, बॉटल के जो साइड्स होते हैं उनमें स्ट्रिप लगा के रखते थे ताकि अगर एक्स्ट्रा करंट आ जाए या मतलब बेसिकली चार्ज आ जाए उस चार्ज को फ्लो कर दे, ठीक है, बेसिकली सेफ्टी पर्पस का एक सिस्टम था, ठीक है। और चूंकि ये बेसिकली बनाया गया था गोल्ड लीफ का, तो ये बहुत सेंसिटिव होता था और ये मिनिमम अगर चार्ज भी रहे तो उसको सेंस कर सकता था, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, इसलिए आज भी ये बेसिकली आज बहुत सारे लैब में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसको पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, स्टूडेंट को करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और इसकी जो आपको देखने को मिलेगा
इस तरीके के डायग्राम आपको देखना, और भी तरीके के हैं, ये मैंने यहाँ दिखाया है। ये देखिए अंदर में इस जगह में आपको दिखेगा दो गोल्ड फॉयल, है ना, ये बेसिकली गोल्ड लीफ है पतली सी। जब यहाँ पर इस तरह का कोई चार्ज बॉडी हम लाएंगे तो इसके कारण ये दो गोल्ड लीफ इस तरीके से, है ना, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगेगा। इससे कन्फर्म होगा कि अगर यहाँ पर हमारा चार्ज है कि नहीं। ठीक है, नो नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोमीटर पे। देखिए इलेक्ट्रोमीटर क्या है, इलेक्ट्रोमीटर एक तरीके का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। ये किस लिए यूज होता है, इसका भी काम है बेसिकली चार्ज को मेज़र करना। इसको मेज़र करना, चार्ज को मेज़र करना। इलेक्ट्रोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बेसिकली जो ये सारे डिवाइस हैं केवल एक पर्पस के लिए नहीं, बहुत सारे पर्पस के, जैसे कि चार्ज मेजर होगा तो करंट भी पता चलेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी हमें पता चलेगा उससे, है ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमीटर का ये सारे यूजेस हैं। ठीक है, और बेसिकली इलेक्ट्रोमीटर बहुत टाइप के बनाए गए हैं। जब से इलेक्ट्रोमीटर पर काम हुआ है उसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं कि यूज़ करके बहुत सारे सिस्टम बनाए गए हैं। उसमें से दो टाइप के, हिस्टोरिकल है और दूसरा एक मॉडर्न है। ठीक है, मॉडर्न इलेक्ट्रोमीटर्स बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स मेथड जो होता है ना उस पर, उस सिस्टम पर बनाया गया, वैक्यूम ट्यूब मेथड पर, और सॉलिड स्टेट एनर्जी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया गया है। ठीक है, तो और इनकी जो एबिलिटी होती है ना कि कितने करंट को ये मेज़र कर सकता, तो ये 1 फेम्टोमीटर जो करंट है इतनी बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट को भी ये सेंस कर सकता, मेज़र कर सकता। मतलब इसकी जो सेंसिटिविटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, जो जिनकी जो हमने उन्हें मॉडर्न इलेक्ट्रोमीटर्स बनाया, बेसिकली जो वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस्ड है या सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें से कुछ है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, इनकी टेक्निक्स आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये बियॉन्ड द सिलेबस की बात है, बट आपको पता होनी चाहिए कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में कहीं पूछे तो। हिस्टोरिकल इलेक्ट्रोमीटर्स में बेसिकली सबसे जो हुआ था ना, इसको बोलते हैं अर्ली क्वाड्रेंट इलेक्ट्रोमीटर। ये अगर आपको कहीं नाम दे देगी भाई अर्ली क्वाड्रेंट इलेक्ट्रोमीटर क्या है, तो ये चार्ज डिटेक्ट करने का, चार्ज मेजर करने का एक मशीन है ना, इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आया था कूलम्स इलेक्ट्रोमीटर, फिर पिल्टियर इलेक्ट्रोमीटर, है ना, फिर बोहेनबर्ग इलेक्ट्रोमीटर, देन एट्रक्सन इलेक्ट्रोमीटर, फिर केल्विन क्वाड्रेंट इलेक्ट्रोमीटर, फिर इलेक्ट्रोग्राफ, है ना। इसको हम लोग हिस्टोरिकल इलेक्ट्रोमीटर्स बोलते हैं ना, जो इलेक्ट्रोमीटर, सॉरी यहाँ पर स्पेल गलत है ना, इलेक्ट्रोमीटर्स हैं ये। ठीक है, और मॉडर्न में जो है, मॉडर्न इलेक्ट्रोमीटर्स में बेसिकली वाइब्रेटिंग रेड इलेक्ट्रोमीटर्स आती हैं और वेल्व इलेक्ट्रोमीटर्स आती हैं, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोमीटर्स। जो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोमीटर्स है ना ये सबसे मॉडर्न है और ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हमें चार्ज मेज़र करके बताती है। इसमें से मैंने कुछ ड्राइंग मैंने आपको दिखाया, पिक्चर मैंने यहाँ पर दिखाया, इनमें सब देखिए, इनका नाम है जो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट जो आपके इलेक्ट्रोमीटर होता है ना, ये क्वाड्रेंट इलेक्ट्रोमीटर की ये डायग्राम है। ठीक है, इमेज है, और इसको देखिए, ये फिर ये कूलम इलेक्ट्रोमीटर, ये लॉर्ड केल्विन ने जो बनाया था क्वाड्रेंट इलेक्ट्रोमीटर। तो अलग अलग टाइप के ये इलेक्ट्रोमीटर्स हैं, कि इन इलेक्ट्रोमीटर्स का अब उस तरीके से कहीं यूज़ नहीं होता है, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का और स्टडी करने का कोई ज़रूरत आपको नहीं है, बस इंफॉर्मेटिव आइडिया के लिए आप इन चीज़ों को देखिए। ठीक है, जिनको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए हमारे क्लास का, और अगर आपको समझने में दिक्कत होती है, नोट्स उतारने में दिक्कत होती है, तो हमारे टेलीग्राम लिंक को आप क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ, है ना, और इस सीरीज़ के साथ साथ ही जो हम थियोरेटिकल सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम एक इसके लिए बेसिकली न्यूमेरिकल सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के जितने प्रॉब्लम हैं चैप्टर वाइज हम उसमें सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए, और आपकी फीडबैक, आपके सुझाव देते रहिए।